असल स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल लाइफ आर मैं आपके साथ बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश इंग्लिश टू जीरो वन का सोलूशन शेयर करूंगी असाइनमेंट नंबर वन है स्प्रिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की टोटल मार्क्स ट्वेंटी है और लेक्चर वन से फिफ्टीन को ये कवर कर रही है उसके बाद इंस्ट्रक्शन आपके साथ शेयर की गई हैं कि आपने प्रॉपर फॉर्मेट एम एस वर्ड को यूज़ करना है और उसके अलावा अगर आपने कोई भी फॉर्मेट यूज़ किया तो वो जीरो मार्क् गेन करेगी उसके बाद जो असाइनमेंट है वो जूम्ड होनी चाहिए हंड्रेड परसेंट पे प्लेजरिज्म प्लेजराइज वर्क जो है वो भी जीरो गेन करेगा उसके बाद असाइनमेंट ई के थ्रू भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी आपने अपने एल से ही असाइनमेंट को अपलोड करना है उसके बाद कॉपी चिटेड जो असाइनमेंट है उसको सबमिट ना करवाएं अगर आपने ऐसा करवाया तो जो कमेटी है वो आप के खिलाफ एक्शन ले सकती है उसके बाद फॉन्ट कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए प्रेफरेबली और फॉन्ट साइज ट्वेल्व और जो स्टाइल है टाइम्स न्यू रोमन अटॉप करना है आपने उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन के है कि बिजनेस कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट वे है जिसमें आपने अप्रोप्रेट लैंग्वेज को यूज करना होता है राइटिंग लेटर के लिए इसमें नेसेसरी है कि आप जो भी फ्रेजेस यूज करें उसमें वीक वर्ड्स को अवॉइड करें अब यहाँ पे आपके आप साथ लिस्ट दी जा रही है सेंटेंसेस की जिसमें आपने वीक वर्ड जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि आप इन सेंटेंसेस को कॉमनली यूज करते हैं अपनी लेटर राइटिंग में आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें वीकबर्ड्स कौन से हैं और उनको आपने नेक्स्ट कॉलम में लिखना है ये आपका टेन मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे एक स्टेटमेंट उन्होंने आपको सॉल्व करके भी दिखाई हुई है तो पहली जो स्टेटमेंट है वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू डैट द इंटरव्यू इज़ अ बिट डिफिकल्ट टू शेड्यूल अब बिट जो है वो इसमें एक वीक वर्ड है उसके बाद जो सेकेंड है सो इट कैन बी कंक्लूडिड दैट द प्रोडक्ट नीड्स फर्दर रिफाइनमेंट तो इसमें जो है कैन बी जो है वो एक वीक वर्ड है उसके बाद जो थर्ड है वी कैन गारंटी डेट दिस प्रोडक्ट गेट्स अटेंशन तो इसमें कैन जो है वो आपका वीक वर्ड है उसमें फोर्थ में है वी नो दैट यू आर कंसर्न अबाउट योर स्टाफ तो इसमें जो यू है वो आपका एक वीक वर्ड है उसके बाद वी कैन से दैट द परफेक्ट सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम इज दैट यू प्रोवाइड विद द मटीरियल तो इसमें जो विद द है वो एक वीक वर्ड है उसके बाद द रिजल्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट ऑब्वियसली इंडिकेट दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग तो इसमें जो ऑब्वियसली है वो आपका वीकवर्ड है यहाँ मैंने आपको मेंशन कर दिया है वीकवर्ड आप देख सकते हैं उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर टू है उसको देखते हैं वो क्या है उसमें यह कि आपके पास एक वर्किंग वेबसाइट सॉफ्टवेयर है आप उसमें एज अ वर्क वेबसाइट डेवलपर काम कर रहे हैं ठीक है आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में जिसका नाम यहाँ पे गिवन है उसमें एज अ वेबसाइट डवेल्पर जो है काम कर रहे हैं तो आपने क्या करना है एक ऑनलाइन वेबसाइट डेवलप करनी है एक एग्लीटन स्कूल सिस्टम के लिए आपने उनको प्रपोजल सेंड करना है कि आप से वो काम करवाएं आपसे वो वेबसाइट डेवलपमेंट का काम लें और आपने उनको सेटिस्फाई भी करना है और उनको प्रपोजल सेंड करना है कि आप कैसे उनको कायल कर सकते हैं वो आपके साथ काम करें या आपको अपना ऑर्डर दें तो इसमें आपके साथ तीन उन्होंने जो पॉइंट है वो शेयर हैं कि आपने इंट्रोडक्शन लिखना है उसकी बॉडी होनी चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए और ये भी आपका जो है वो

काम कर रहे हैं उसके बाद आपने अपनी अपनी सर्विसेज बतानी है यहाँ पे और जो आप काम कर चुके हैं उनके बारे में आपने थोड़ा सा बताना है कि कस्टमर कैसे आपके साथ सेटिस्फाइड साथ साथ हैं आपने थोड़ा बहुत जो अपनी जो सर्विसेज की हुई हैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है कि मैंने ये ये काम किया हुआ है या ये वेबसाइट मैंने डेवलप की हुई है आप इसको चेक कर सकते हैं तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं यहाँ पे इतनी देर से काम कर रहा हूँ और ये मेरी सर्विसेज थी उसके अलावा आप अपनी सॉफ्टवेयर हाउस की जो सर्विसेज हैं वो भी आप इसमें मैंशन कर सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो इतनी देर से काम कर रहा है इसकी ये सर्विसेज हैं और ये ये वेबसाइट हम लोग डेवलप कर चुके हैं इस तरह से भी आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कम अज़ कम चार पाँच लाइनों का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए क्योंकि ये फोर मार्क्स का है तो मैक्सिमम uh, आपको वर्ड लिमिट तो नहीं दी गई लेकिन फिर भी चार पांच लाइनों का आपका ये अच्छा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसके बाद जो बॉडी है वो आपकी थ्री मार्क्स की है तो इसमें आपने ऑनलाइन सर्विसेज जो है उसकी इंपॉर्टेंस और वेबसाइट जो ऑनलाइन है उसकी इंपॉर्टेंस आपने देनी है आपकी जो वेबसाइट आपने कोई डेवलप किया या जो आप उनके लिए डेवलप करेंगे उसके कुछ अच्छे फीचर्स सीखने अपना मैनेजमेंट सिस्टम बताना है कि आप कैसे उसमें अच्छे तरीके से चीज़ों को मेंशन करके देंगे कैसे सिलेबस है या स्टूडेंट्स की जो डेली एक्टिविटीज़ है आप उनको कैसे शेयर करेंगे जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं आपने थोड़ी सी ऑनलाइन की एक तो इम्पोर्टेंस बतानी है कि कोविड की जो सिचुएशन है उसमें ऑनलाइन सर्विसेज और वेबसाइट जो है वो आजकल ज़्यादा प्रेफरेबल है और आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सिस्टम रन करेगी और अफेक्टिवली लोग इसको यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए वो और टीच पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए इजी टू यूज़ होगी ये आपने लिखना है उसके बाद कंक्लूजन आ गया उसके बाद आपने कोई भी एग्जिस्टिंग वे, वेब वेबसाइट जो है उसका आपने यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है ठीक है कि मैंने इस पर काम किया है उसमें ये ये फीचर्स हैं और ये चीज़ें हम आपको आपकी वेबसाइट में भी प्रोवाइड करेंगे और आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि आपकी जो डिमांड है जो रिक्वायरमेंट्स है उनको भी पूरा किया जाएगा उसके बाद सेटिसफेक्ट्री सिंटेंसेस लिखते हैं कि आप काम से सेटिस्फाइड होंगे और आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और जो थोड़ा सा पेमेंट का लिख दें कि हमारी पेमेंट भी रीजनेबल है हम आपको अच्छा जो है रिस्पॉन्स करेंगे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी हमारे काम से तो ये कंक्लूजन भी आपका जो चार पांच लाइनों का होना चाहिए इंट्रोडक्शन आपका थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए बाकी बॉडी और जो कंक्लूजन है वो आपकी थ्री थ्री मार्क्स की हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंग इसको रेडी करना है उसके बाद आपने प्रोजेक्ट मैनेजर जो है आप अपना नाम लिख सकते हैं और जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसका नाम लिख सकते हैं और इस तरह आपने इसको कंक्लूड करना है उम्मीद आपको समझ आ गया होगा फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके और प्लीज़ फाइल को जब भी आप कंडक्ट कर रहे हैं कॉपी इसको बिल्कुल मत करें आपके साथ मैंने आइडिया सॉल्यूशन शेयर किया है आप इसको खुद से अच्छे तरीके से कंडक्ट करें अगर मैं यहाँ पे आपको ये लिख के सारा दे देती तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कॉपी करते हैं उसको उसको थोड़ी बहुत चेंजिंग करके तो सबमिट करवा देते हैं वो सही नहीं होता उसमें इतना ज़्यादा प्लेजरिज्म रिमूव नहीं होता तो आपका वो फिर अच्छे मार्क्स के नहीं होते आपको मैंने आइडिया दे दिया है आप अपनी वर्डिंग में ईजी वे में इसको लिख सकते हैं और इसको आप सबमिट करवाएं इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आपको लिखना भी आएगा कि आप एक लेटर को कैसे कंडक्ट कर सकते हैं कोई भी मुश्किल सेंटेंसेस वर्डिंग को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इजी वर्डिंग में इसको आप कंडक्ट कर सकते हैं और इजी वर्डिंग में कंडक्ट करके आप इसको सबमिट करवाएं इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और उसके अलावा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके साथ जो वीक वर्ड है इनको आप सॉल्व करने से पहले अपने जो हैंड आउट्स हैं उसमें भी इसको एक दफ़ा इन लेक्चर्स को आप पढ़ लें उसके बाद आप इसको कंक्लूड करें कि ये सॉल्यूशन आपको कैसा लग रहा है कोई भी मिस्टेक हो आप शेयर कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है इसको ज्वाइन कर सकते हैं मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़